अंकुर शुक्ला के पिता को सपा नेता पवन सिंह ने दी 1 लाख की आर्थिक मदद। अंकुर शुक्ला के परिवार की सुरक्षा, 50 लाख का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक आवास की पवन सिंह ने की मांग। अंकुर शुक्ला के न्याय के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, पवन सिंह सपा नेता। गोरखपुर, जब किसी इंसान पर मुसीबत पड़ती है तो उसके अपने होने का दावा करने वाले उससे ऐसा मुंह मोड़ लेते हैं जैसे उनका उस इंसान से कोई रिश्ता ही नहीं है। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के रामपुर टप्पा गाँव के निवासी महेंद्र शुक्ला के घर भी जब मुसीबत आई तो सभी ने उनका साथ छोड़ दिया। गाँव के ही 4 युवकों ने महेंद्र शुक्ला के 17 वर्षीय बेटे अंकुर शुक्ला की चाकुओं से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या बाद राजनीतिक रोटियां सेकने वालों का महेंद्र शुक्ला के घर तांता लग गया, लेकिन किसी ने महेंद्र शुक्ला के इस दुख की घड़ी में किसी तरह की कोई आर्थिक मदद नहीं किया। पूर्वांचल में गरीबों, यतीमों, असहायों की शान कहे जाने वाले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं वरिष्ठ समाज सेवी पवन सिंह लगातार महेंद्र शुक्ला के बेटे को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद करते रहे। शासन प्रशासन को पवन सिंह ने सख्त चेतावनी भी दे दी कि समय रहते हत्यारों को गिरफ्तार करे और सलाखों के पीछे भेजे। उनकी चेतावनी का असर भी दिखा, 3 हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज पवन सिंह अपने हजारों समर्थकों के साथ अंकुर शुक्ला के पिता से मिलने उनके आवास गए, जहां पहुंचकर पवन सिंह ने महेंद्र शुक्ला के दुख में शामिल हुए सपा नेता पवन सिंह ने अंकुर शुक्ला के पिता से कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपका बेटा पवन सिंह इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा है। अंकुर शुक्ला को न्याय दिलाने के लिए आखिरी सांस तक आपके साथ हूँ। सपा नेता पवन सिंह ने बड़ा दिल दिखाते हुए महेंद्र शुक्ला को तत्काल 1 लाख रुपए की नकद धनराशि दिया। कहा कि आगे भी मदद जारी रहेगी, किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पवन सिंह आपके साथ है। मीडिया से बात करते हुए पवन सिंह ने कहा कि पुलिस बचे हुए हत्यारोपी को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजे। जिला प्रशासन से मांग है कि महेंद्र शुक्ला के परिवार अभी भी खौफ के साए में जी रहा है, तत्काल सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, एक आवास उपलब्ध करवाया जाए। पीड़ित परिवार ब्राह्मण जाति के है, पूजा पाठ करके घर चलाते थे, बेटे की मौत से परिवार टूट गया है। जिला प्रशासन पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दे ताकि महेंद्र शुक्ला का परिवार आगे चल सके। देख रहे थे उस बच्चे को मारते हुए, लेकिन कोई छुड़ाने के लिए हल्ला करने वाला व्यक्ति तो क्या इस पूरे क्षेत्र में ब्राह्मण परिवार आप अकेले यहाँ पे रहते हैं? हाँ, दुर्भाग्य है मेरा, मैं अकेले रहता यहाँ पे। तो क्या एक बात अफवाह सुनने को मिला है कि कुछ आपके राहुल के फैमिली से लेकर जी कुछ महिलाओं को लेकर यहाँ के नौजवान भले छिटा कसी भी आते जाते समय करते थे क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है बाबू, ये जान के नीचे जाने के लोग ये बताइए, ब्राह्मण पुत्री है, ब्राह्मण की लड़की है, 2-2 बच्चियां है, ये भी नहीं काले कुरूप लंगड़े लूले हैं, ऐसा कभी कुछ भी मतलब नहीं। छीटा कसी का मतलब कि जब आप यहाँ से कहीं जा रहे हो किसी ने कुछ ऐसा कहा, उसके बाद ये लोग धमकी उमकी दिए थे रास्ते जाते समय, रुके होंगे तो हम अपनी व्यवस्था कहीं और कर लिए थे। आप यहाँ से उस घटना के बाद से आप यहाँ से तारामंडल या किसी और जगह रास्ते में आप यहाँ से शिफ्ट हो गए उस घटना के बाद से 14 तारीख के बाद हमको नहीं पाए, इस नाते वो अंकुर की हत्या किए थे। टारगेट में तो यही थे, उनका नहीं था। हाँ, लेकिन हमको नहीं, हम सोचे कि इसको हटा देते हैं, कहीं कुछ नहीं होगा, शांत हो जाएगा। और उसके बाद अंकुर को पाए सब। चलिए कोई बात नहीं, देखिए हम लोग अब सभी साथी मित्रगण यहाँ पर आए हुए हैं और हम सभी लोगों का किसान सामना अच्छा घेर लिया। फिर दोबारा ये फोन किए सब पुलिस, उस समय जगत नारायण सिंह दरोगा थे यहाँ पर रामगढ़ काल में, कहे क्या कि तुम अपने जो है कानून को हाथ में क्यों लिया, उल्टा ही नहीं कुबरदर भी डालने लगे राहुल जी के ऊपर, राहुल जी के ऊपर। तो अब किसी तरह से अब क्या करें, अब ये लोग भी डर गए, सुलानामे की बात दबाव देने लगे आपने 22,000 रुपया जे एम सिंह जो की इस समय जेल में जो है उसके खाते में गया है, हमारे खाते से 22,000 रुपया आपने दिया था, और 95,000 रुपया
95,100 रुपए यही नगद नारायण नारायण। ओके ठीक है, फिर क्या हुआ? फुलानामा लिखा गया कि आगे से ऐसी कोई आप दोनों लोग मतलब जहाँ पे रहते हैं वहाँ शांति और सौहार्द का भाव बनाए रखते। अंत में 4-5 महीना भी नहीं बीता, हमारे भाई साहब हमको जा रहे थे बाल कटवाने, लौटते थे 20 तारीख को जा रहे थे, 24 नवम्बर 24 तारीख को दिन में 1:30 बजे 1 बजे करीब वो घर से निकला होगा, 12:30 बजे करीब, और 1:30 बजे करीब वापस आ रहा था बाल कटवा कर, और यहीं से जहाँ से आप लोग इधर मुड़े हैं वहाँ जाएंगे 50 मीटर यहाँ से कुल दिन 100 या 150 मीटर 100 मीटर के आसपास ही है, और उसको दिन दहाड़े लोग कितने लोगों ने मारा उसने है कि उसकी अंकुल की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई, जैसे कुछ कुछ कर चाकू से रोक रोक कर उसको मारा गया जी, और मार के उसको नाली में फेंका गया, वही मौके पे ही छोड़ दिया गया। यहाँ पे अपने घर के कितने दूरी पे घटना हुआ? 100 से 150 मीटर मान लीजिए, 100 से 150 मीटर। फिर आपको इसकी सूचना कैसे मिली? सूचना मिला हमको जो है यहाँ पर जो है मैं बाहर बैठा था।